मैं काफी समय से बीमार थी, मुझे अल्सर था, लैट्रिन से खून, मवार, मांस के टुकड़े गिरते थे और मैं यहाँ आई हूँ। डॉक्टर संजीव डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और बहुत कम वजन में उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करके सर्जरी करी और मुझे अब बहुत आराम है, बहुत आराम है। इन्होंने मुझे दोबारा जिंदगी दी है, दोबारा जन्म मिला है, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। नमस्कार। मेरे पेशेंट हैं इंदु देवी, जो कि बहुत बड़ी फाइटर हैं। काफ़ी सालों से ये पेट की परेशानी से लड़ रही थी, जूझ रही थी, बट हिम्मत नहीं हारे इन्होंने। इनका ऑपरेशन प्लान था, क्योंकि इनको बार बार आंतों में रुकावट आ रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि कई बार सर्जरी प्लान हुई, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग डॉक्टर्स ने की, बट इनका हीमोग्लोबिन कम होने के कारण और वजन कम होने के कारण, जो कि अभी 36 किलो है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने इनकी सर्जरी मना कर दी। लेकिन इनकी जो परेशानी थी, पेट की परेशानी, समस्या, वो बढ़ती रही। हालत ये होती थी कि खाना खाने के बाद इनके पेट में बहुत तेज़ दर्द होता था और पेट में बहुत पेरिस्टाल्सिस या कॉन्ट्रैक्शंस होते थे, क्योंकि खाने में थोड़ी रुकावट होती थी। रात में इस दर्द के कारण ये सो नहीं पाती थी। जब ये मेरे से मिले तो मैंने जांचें कराई, सीटी स्कैन कराया। सीटी स्कैन में इनकी जो आंत होती है, छोटी आंत जिसको IEM कहते हैं, जो उसके उसके आखिरी हिस्से में नैरोइंग थी या रुकावट जैसी लग रही थी, और साथ साथ वहाँ पर ट्यूमर जैसा भी लग रहा था। एंडोस्कोपी में भी एक ट्यूमर था जो कि इनकी छोटी आंत में है। तो छोटी आंत के ट्यूमर जो होते हैं, उनको डायग्नोस करना और ट्रीट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हमारे यहाँ के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर लोकेश आनंद हैं, उन्होंने एंट्रोस्कोपी करके उसका उसकी डायग्नोसिस की और उसको पता लगाया कि यहाँ पे ट्यूमर है। तो इनकी सर्जरी प्लान हुई। पेशेंट और उनके परिवार वालों ने काफ़ी हिम्मत और भरोसा दिखाया मेरे पे, एज अ सर्जन, जिनके लिए बहुत बड़ी बात है, और मणिपाल हॉस्पिटल पे भी काफ़ी भरोसा दिखाया, और सर्जरी के लिए हम आगे बढ़े। सर्जरी सक्सेसफुल हुई। इनकी छोटी आंत का हिस्सा और कोलॉन, जिसको आइओकोलिक रिसेक्शन कहते हैं, वो की, और पेट के अंदर जो गांठें थी उनको भी निकाला। टचवुड, भगवान की ऊपर वाले की दया से सर्जिकल रिकवरी अच्छी हुई। इनका डिस्चार्ज 1 हफ्ते में हो गया और अभी ये खाना पीना नॉर्मली खा पा रही हैं। जो पुराना पेट रहता वो भी ठीक हो गया। आज ये हमारे से टाँपे कटवाने आई हैं और नॉर्मल लाइफ जी पा रही हैं।